भाई काफी लोगों के ऐसे मुझे और दूसरी जगह मेरी वीडियोस में नहीं और दूसरी जगह बहुत सारे कमेंट देखने के मिलते थे कि आईफोन SE 2 का वीडियो एक बना दीजिए। तो मैंने कहा क्यों ना वो नहीं सुन रहे तो मैं आपकी सुन लेता हूँ। तो मैं आपके लिए आईफोन SE 2 की एक वीडियो लेके आ चुका हूँ कि ये फोन 2024 में कैसा फोन है, 2022 में लॉन्च हुआ था, 2 साल हुए अभी इस फोन को, और कैसा फोन चलता है, कैसी परफॉर्मेंस है, BGMI वगैरह खेल सकते हैं क्या, उन सारी चीजों की बात करूंगा, कैसी क्या बैटरी चलती है, तो सारी चीजों की बात करने वाला हूँ। बाकी बिग बिलियन डेज में ये फोन आ सकता है सेल के अंदर, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि टीज वगैरह नहीं करा है ना फ्लिपकार्ट ने ना ही अमेजोन ने। बाकी 2023 के अंदर ये वाला फोन 26,000 रुपए का सेल में आ चुका है फ्लिपकार्ट पर, तो अब देखने वाले क्या ये 20 के नीचे आने वाला है। तो मैंने कहा वीडियो बना दीजिए, अगर फ्लिपकार्ट 20,000 के नीचे आता है तो क्या लेने लायक ये डिवाइस है कि नहीं है, उन्हीं के ऊपर बात करूंगा। फालतू की स्पेक्स वगैरह मैं ज्यादा नहीं बता के टाइम खराब नहीं करने वाला हूँ, बाकी मैं मेन मेन चीजों पे बात करने वाला हूँ कि फोन बढ़ती है कि नहीं। तो इस फोन में आपको 4.7 इंच का एक IPS LCD रेटिना पैनल मिलता है। तो आपको पता है आईफोन 11 के अंदर भी IPS LCD पैनल मिलता है, अगर पैनल की बात करूँ तो काफी सही है अगर देखा जाए, लेकिन अब के समय में ये बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है क्योंकि AMOLED, सुपर AMOLED, 2X, डायनेमिक AMOLED, जाने कौन कौन से AMOLED, LTPO AMOLED वगैरह आ चुके हैं। तो ये फोन की डिस्प्ले के मामले में अगर किसी 20,000 के फोन को कंपेयर करते हैं तो वो ज्यादा इससे अच्छे व्यू एंगल वगैरह कंटेंट वॉचिंग में एक्सपीरियंस आपको दे देते हैं। बाकी स्पीकर की बात करूं तो काफी अच्छे स्पीकर मिल जाते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर इस फोन में मिल जाते हैं, तो कहीं स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अगर मैं कैमरा की बात करूं तो 4K 60 का सपोर्ट देता है, जो कि शायद ये कोई फोन देगा 20,000 में जो कि फ्रंट और बैक दोनों में देता है, काफी तंगड़ी वीडियो वगैरह शूट करके दे देता है। ये आईफोन 11 के बाद 3 साल बाद 2 साल बाद लॉन्च हुआ था, ये मत भूलना आप, उससे अच्छे कैमराज थे इसमें, उससे अच्छी परफॉर्मेंस भी ये फोन निकाल कर देता था। और इस फोन के अंदर आपको A15 बायोनिक चिपसेट मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा तंगड़ा चिपसेट था। अगर बात करूं आईफोन 12 में भी आपको A14 मिलता था, 11 में A13 मिलता था। BGMI वगैरह खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है नो डाउट, लेकिन आपको एक चीज मैं बता दूं कि इस फोन में आपको 4.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है, अगर आप 2 फिंगर भी खेलते हो ना तो पूरा ढक जाता है, अगर 4 फिंगर खेलोगे तो बिल्कुल भी डिस्प्ले नहीं दिखने वाली है। तो अगर गेमिंग के लिए लेना चाहते हैं तो मेरी नजर में ये फोन गेमिंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी अगर बैटरी की बात करूं तो अब इस फोन का बैटरी बैकअप जो मैं यूज कर रहा हूं उस हिसाब से बताऊं तो 3 घंटे का मैक्सिमम बचा है, 3 से 3.5 घंटे मैक्सिमम चलता है। चार्ज पर लगाने पड़ता था, बार बार लगाओ बार बार लगाओ, क्योंकि इन डिवाइसेस के जो MAHB थे वो थोड़े कम थे, और IPS LCD पैनल जो होते ना AMOLED के मुताबिक थोड़ा सा ज्यादा खाते बैटरी, लोगों को लगता है कि 720p है तो ये बैटरी कम खाएगा, लेकिन ऐसा उल्टा होता है, ये बैटरी थोड़ी ज्यादा खाते हैं। बाकी अगर आपको 18-20 हज़ार का ये फोन देखने को मिलता है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ना ही लो, उससे अच्छा आप आईफोन 12 की साइड चले जाओ जो कि आपको 30,000 के अंडर मिलेगा, और अगर लेना चाहते हो तो 25 की समथिंग तो आईफोन 11 मिल जाएगा जिसमें आपको बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी। बस हाँ, इसके अंदर आपको A15 बायोनिक मिलती है और इसके अंदर A13 बायोनिक मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी मैं तो आपसे मना ही करूंगा, और मेरे मना करने से क्या ही होगा, आपका मन होगा तो आप तो ले ही लोगे। तो बस आज की वीडियो आईफोन SE 2 की इतनी सी थी, अगर पसंद आई तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और भी फोन है मेरे पास आईफोन, तो मैं उन सब पे वीडियोस बनाने वाला हूँ, बिग बिलियन डेज में कैसा फोन है, क्या लेने लायक है कि नहीं है, तो उन सब की वीडियो बनाने वाला हूँ, धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी चैनल पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।